नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बना लिए? चलिए ठीक है, और कुछ नियम देखते हैं। समझ आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक, अच्छे तरीके समझ 12 तारीख को आएगा। नया टॉपिक चालू होगा इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द सेंटेंस इज बिगनिंग विद हार्डली, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, --, देन द वर्ब इज यूज्ड इन इन्वर्टेड फॉर्म। इसका रूल मैं पहले बता चुका हूँ, इन्वर्जन बताया था क्या? जैसे आपने ये सुना होगा, मैं स्कूल गया था, आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल गया था के लिए आप यही लिखोगे आई हैड गॉन टू स्कूल, गया था। बहुत पहले हैज हैव हैड हैड पास्ट टेंस में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक, आई हैड गॉन टू स्कूल। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये तो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आई मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कौन गया था? मैं गया था। मेरे बारे में बात किए, सब्जेक्ट मैं हो गया। किस विषय में बात कर रहे हैं? मेरे विषय में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। जाना, क्रिया, ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब आई हैड गॉन टू स्कूल, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मल केस में ऐसा ही रहता है, बट इसको मैं हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दूं, हैड आई गॉन टू स्कूल। अब ये क्या कर रहे हो? अब ये बता नहीं रहे हो, पूछ रहे हो क्या मैं स्कूल गया था, हैड आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, आमतौर पे बताने के लिए आप आई हैड गॉन टू स्कूल ही यूज करोगे, हैड आई गॉन टू स्कूल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बता रहे हो, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, अगर बता रहे हो, फुल स्टॉप वाला है, बता रहे हो, तो इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये संभव हो जाता है, किस केस में? इन्वर्जन के केस में। सब ये इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन कुछ ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है, अगर वो वर्ड यूज हो गया तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट करता है, उल्टा कर देता है। कैसे उल्टा करता है? आमतौर पर सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में कर देता है। ठीक है, जैसे नो सुनर हैड दे एंटर्ड द थिएटर। अगर मैं खाली इतना बोलता ना, हैड दे एंटर्ड द थिएटर, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या वो थिएटर में घुस चुके थे, ये पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, नो सुनर हैड दे एंटर्ड द थिएटर देन द मूवी स्टार्टेड। मतलब मुश्किल से वो एंट्री मारे ही थे, एंटर किए ही थे, कि पिक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका था, हो गया। ठीक है, ये बताना चाह रहा है, तो बताना चाह रहा है, पूछ नहीं रहा है, तो हैड दे एंटर्ड कैसे हो गया? हो सकता है, क्यों हो सकता है? मैंने बोला इन्वर्जन के केस में। इन्वर्जन क्या है सर? ऐसे कुछ शब्द हैं, नो सुनर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, नेवर। ठीक है, ये सारे वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको इन्वर्जन कहा जाता है, और इन शब्द के बाद स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का चेंज हो जाता है। तो नो सुनर दे हैड एंटर्ड, नहीं, हैड दे एंटर्ड द थिएटर देन द मूवी स्टार्टेड। और आपको मालूम होगा नो सुनर के बाद क्या लगता है? देन। ठीक है, नो सुनर के बाद क्या लगता है? देन। कंजक्शन में पढ़े, ठीक है, क्लियर। हार्डली डज ही गो टू जिम, ठीक है, बहुत कम जाता है जिम, ये बोलना चाह रहा है, बहुत कम ही जाता है। हार्डली डज ही गो टू जिम, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूँ कि भैया वो जिम जाता है, बहुत कम जाता है, ठीक है, वह जिम जाता है, ही गोज टू जिम, ही गोज टू जिम, यही बोलना चाहिए था मेरे को, बताना है तो। कम जा रहा है तो ठीक है, हार्डली यूज कर देता, हार्डली मतलब बहुत कम जाता है, हार्डली ही गोज टू जिम। लेकिन मैंने बताया इन्वर्जन यूज हो जाए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो हार्डली गोज ही टू जिम नहीं होगा, होता तो बताया तो सर वही हो आपकी, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा देन सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ये तो मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? डज, हार्डली डज ही गो की गोज, गो की गोज, गो आएगा, ई एस क्यों नहीं आएगा? ये इधर लग गया सर, ही के बाद तो ई एस वाला ही लगता है, लगता है, लेकिन ये डू के साथ लग गया ना, और नहीं लगाना, फिर इसका मूल रूप आपको रोकना पड़ेगा। हार्डली डज ही गो टू जिम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ही हार्डली
गोस टू जिम, अब सही है क्या? अब सही है क्या? अब सही है, लेकिन बोलोगे सर अभी तो इन्वर्जन यूज कर दिया उसमें तो स्ट्रक्चर अल्टी पल्टी हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन एक और नियम बताया था इन्वर्जन पढ़ते टाइम, उस इन्वर्जन को आपको शुरू में रखना है, अगर शुरू में रखोगे तब स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाद में डालोगे तो नहीं होगा। क्लियर? ठीक, चलिए एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, छोटा सा आपको ध्यान रखना है। रिमार्केबल मतलब क्या होता है समझते क्या? रिमार्केबल मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा और किस रूप में? थोड़ा असाधारण रूप में, मतलब जो कोई नहीं कर पाता। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि वो 20 साल में या 22 साल में आईएएस बन गया, तो अच्छी बात है कि नहीं? और असाधारण है, और कोई थोड़ी नहीं 21-22 साल में बन जाता है। ठीक है, तो रिमार्केबल एक्ट हो गया, रिमार्केबल हो गया, अच्छा लेकिन असाधारण, तो उसके लिए यूज़ करते हैं रिमार्केबल। सर ये क्यों बता रहे हो? देखो ये रिमार्केबल है एक एडजेक्टिव, और रिमार्केबली यूज़ कर दूँ, एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता था क्या? बताया था जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो तो एडवर्ब हो जाता है, नाउन में एल वाई लगाओ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ही एल वाई लगा दो एडवर्ब, तो ये एडजेक्टिव हुआ, इसमें एल वाई लगा दिया रिमार्केबली, ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, वेयर एज एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। क्या बताया? कुछ नहीं, बस डेफिनेशन बता दिया एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडजेक्टिव किसके बारे में बताते हैं, विशेषण किसके बारे में बताता है, किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, हर एक्ट वॉज रिमार्केबल, ठीक है, अच्छा था, असाधारण था, असाधारण एक एक प्रकार का विशेषता हो गया कि नहीं हो गया? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, असाधारण हूँ, अच्छा बुरा जब एडजेक्टिव हो सकता है तो असाधारण क्यों नहीं हो सकता? एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है? हर, उसका काम असाधारण था। ठीक है, हर एक्ट के बारे में बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव, तो वही बोल रहा है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया जाए तो एडजेक्टिव ही यूज़ करना है, एडवर्ब यूज़ नहीं करना है। तो रिमार्केबल एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब, हर एक्ट वॉज रिमार्केबल ना कि रिमार्केबली, हर एक्ट वॉज रिमार्केबल, इसी में एल वाई लगा के मैंने क्या बता दिया? एडजेक्टिव। अब शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस, उसने असाधारण मेहनत किया, असाधारण कार्य किया सक्सेस पाने के लिए। अब ये एक्ट नाउन ना होकर, अब ये एक्ट नाउन ना होकर वर्ब हो जा रहा है। कुछ वर्ड ऐसे भी बताए थे क्या जो वर्ब के रूप में भी काम करें, नाउन के भी रूप में काम करें, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करें? अब क्या देखो, शी एक्टेड रिमार्केबली, अब ये जो वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? कैसे मेहनत किया? असाधारण रूप से मेहनत किया, एक्टेड रिमार्केबली, तो ये वर्ब हो गया। और मैंने बताया जो वर्ब के बारे में बताया वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, जो एडजेक्टिव के बारे में बताया एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब के बारे में बताया वो भी एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो शी एक्टेड रिमार्केबल टू अचीव सक्सेस नहीं, शी एक्टेड रिमार्केबली। ठीक है, क्लियर? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया था, ऑलवेज, नेवर, जनरली, रेयरली, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम थे। तो इनको क्या बोल रहा है? जनरली प्लेस बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, ठीक है, उस वर्ब के पहले रखते हैं जिसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में बता रहा है। ठीक, सिंपल शब्दों में ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो आते हैं उसको कहाँ प्लेस रखना है आपको? वर्ब के पहले, जो मेन वर्ब होता है उसके पहले रखना होता है। सर नहीं समझ आया, देखो माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, मैं बोलना चाह रहा हूँ अक्सर मेरा भाई रविवार को आता है। ठीक है, मेरा भाई अक्सर कब आता है? रविवार को आता है। अक्सर के लिए ऑफन, और ऑफन क्या हो गया बोला? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब में भी किस प्रकार का एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो मैंने बोला एडवर्ब ऑफ टाइम को किसके पहले रखना है? वर्ब के पहले। ठीक, माई ब्रदर ऑफ कम्स एवरी संडे, इतना यूज करो पहले, माई ब्रदर कम्स एवरी संडे। अब मैं यहां बोलना चाह रहा हूं वो अक्सर आता है, मेरा भाई संडे तो आता है, ठीक है, अक्सर आता है, अक्सर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और मेरे को इसको किसके पहले रखना पड़ेगा? वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। तो क्या माई वर्ब है? नहीं। ब्रदर वर्ब है क्या? नहीं है। ठीक है, ब्रदर क्या हो गया? तो नाउन हो गया। कम्स वर्ब है क्या? हाँ, ये वर्ब है। एवरी संडे वर्ब है क्या? नहीं है। तो इसमें कम्स वर्ब है, तो ऑफन को यूज कहाँ करोगे? वर्ब के पहले। माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, समझ आया? नहीं। ही गोज यूजुअली टू द मूवी, ठीक है, आमतौर पे मूवी जाता है, मूवी जाता है,
आमतौर पर तो यूजुअली जनरली यूजुअली ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ही गोज टू द मूवी जा रहा है, ही गोज टू द मूवी में देखो क्या ही वर्ब है, नहीं ये तो प्रोनाउन हो गया, गोज जाना आना वर्ब है क्या, हाँ है वर्ब है, तो इस यूजुअली एडवर्ब ऑफ टाइम को किसके पहले रखोगे, ओके ही यूजुअली गोज टू द मूवी। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, क्या ये सही है गलत है, देखो टॉक बात करना ये तो वर्ब है, बातचीत ये टॉक नाउन हो जाएगा, लेकिन बातचीत करना वर्ब हो जाता है, तो वर्ब के पहले आया ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स के बारे में कभी बुरा बात नहीं करता। यूज ऑफ एल्स एंड अदर, ठीक, कभी इस प्रकार का सेंटेंस यूज हो ना, इट इज नथिंग एल्स, इसके बाद हम बट लगाते हैं, ये रूल को याद रखिएगा, और अगर अदर या अदर यूज करें तो उसके बाद देन लगाते हैं, जैसे सेंटेंस बता रहा हूँ, इट इज नथिंग एल्स बट या देन शेयर मैडनेस, कुछ नहीं बस ये पागलपंती है, शेयर मैडनेस पागलपंती, ठीक, तो कुछ नहीं बस, जैसे मैं अगर पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक मैजिक शो वाला एग्जाम्पल दिया जिसमें वो लड़की को लाए, बक्सम डाले और तीन टुकड़ा हम काट दिए, फिर उसका मुंह अलग दिख रहा है, ठीक है, हाथ पैर अलग हिल रहा है, पैर अलग हिल रहा है, तो क्या वो सही में उसको काट पीट दिया क्या, नहीं, तो मैजिक नहीं है, क्या है बस वो भ्रम है, छलावा है, ठीक है, इस इट इज़ नथिंग एल्स बट की देन नथिंग एल्स बट अ बट एन इल्यूजन, ठीक है, इट इज़ नथिंग एल्स बट एन इल्यूजन, ये एग्जाम्पल पहले दे चुका हूँ, रूल पहले कवर करा चुका हूँ, तो एल्स के बाद क्या लगता है, बट लगता है, ठीक है, फॉलोड बाई मतलब उसके बाद आएगा, फॉलोड बाई बट, और अदर के बाद क्या लगता है, देन शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन स्टे हियर, ठीक है। नेवर एंड नॉट आर, बोथ नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स, द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं, नेवर और नॉट दोनों एडवर्ब है, एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे, नेवर और नॉट दोनों एडवर्ब है, लेकिन दोनों में अंतर तो है कि नेवर और नॉट में नहीं और कभी नहीं के लिए, या नहीं और कभी नहीं के बीच में अंतर तो है, ठीक, तो कभी कभार हम नॉट के जगह नेवर यूज कर देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक, जैसे आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, अगर मैं खाली बोलता कि मैं ऊटी कभी नहीं गया हूँ चलता, लेकिन पिछले साल कभी नहीं गया, सेंटेंस जम रहा है कि नहीं, मैं पिछले साल नहीं गया, पिछले साल कभी नहीं गया, ठीक है, तो आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर, ये सही होता ना कि आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, खाली इतना बोलते ना तो सही लगता, आई नेवर वेंट टू ऊटी, मैं कभी नहीं गया, ठीक है, बट लास्ट ईयर बोलना चाह रहे हो, आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर, ठीक है, आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो, नहीं, आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो, क्लियर। कुछ और वर्ड देखते हैं, सेल्डम लिटिल, सेल्डम के साथ हमेशा क्या लगता है, नेवर, अगर बीच में और आ जाए, और सेल्डम के साथ इफ एवर, दोनों का मतलब क्या होता है, सेल्डम और नेवर मतलब ना के बराबर या कभी नहीं, ठीक है, सेल्डम इफ एवर बहुत ही कम, ठीक, लेकिन ध्यान रखना अगर सेल्डम और नेवर यूज हुआ है बीच में क्या आएगा, और सेल्डम और एवर यूज हुआ है बीच में क्या आएगा, इफ आएगा, वैसे ही लिटिल और नथिंग के बीच में, और लिटिल एनीथिंग के बीच में इफ, जैसे वी सेल्डम और नेवर मीट अवर रिलेटिव, आजकल कहाँ बहुत रिलेटिव से मिलते हैं, बहुत ही कम मुलाकात होती है, बहुत ही कम या ना के बराबर या मुलाकात होती नहीं, ठीक है, तो सेल्डम और लग गया नेवर, अगर एवर यूज करना होता तो इफ लगाते। नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज विद द वर्ड नेगेटिव इन द मीनिंग, ठीक, ये क्या है बोलना चाह रहे, देखो नेगेटिव एडवर्ब्स है, सेल्डम सेल्डम नो वेयर नेवर, इसका मतलब ही नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, सेल्डम मतलब कभी नहीं बताया, ऑलरेडी उसमें नहीं वाली भावना है, ठीक है, नेवर मतलब भी कभी नहीं, तो ऑलरेडी उसमें नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वैसे स्कार्सली बेयरली भी होता है, इस ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो हम डबल डबल नॉट यूज़ नहीं करते, जैसे आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी अक्रॉस द रोड, इस नो बडी में नो का भावना है ना, नो नॉट यूज हो रहा है, और मैंने बोला ये रेयरली ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है, तो दो नेगेटिव एक साथ उपस्थित नहीं होते, ठीक है, तो आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी ना होकर क्या होगा, एनी बडी अक्रॉस द रोड, शी हार्डली नोज समबडी इन द टाउन, ठीक है, शी हार्डली नोज समबडी ना होकर क्या, एनी बडी, सर सम भी क्यों यूज नहीं किए, जस्ट इसके बाद वाले नियम में आएगा, ठीक है, इतना क्लियर, दो नो एक बार यूज़ नहीं करना,
नहीं है ही नहीं इसके बाद नियम। चलिए एक रूल आपको पहले भी ध्यान होगा, कुछ के लिए इंग्लिश में शब्द है सम और एनी, दोनों का मतलब होता है कुछ। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ चावल खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चावल खरीदना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत या कुछ के लिए, थोड़ा बहुत या कुछ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, सम या थोड़ा चावल खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, आई विल या चावल खरीदूंगा, आई विल बाई सम राइस की एनी राइस। ठीक है, पक्का ध्यान है क्यों? सम और एनी दोनों का मतलब थोड़ा ये कुछ होता है, लेकिन जो सम है वो हम किस सेंस में यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सम है वो पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो यूज करते हो। सर क्या पॉजिटिव? मैं खरीदूंगा, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं नहीं खरीदूंगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं खरीदूंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जो सम है वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, और एनी को या तो नेगेटिव में या क्वेश्चन फॉर्म में। आई विल बाई सम राइस की एनी राइस, सम राइस क्यों? पॉजिटिव सेंटेंस है। यही मैं बोल दूं आई विल नॉट, अब ये नेगेटिव हो गया क्या? आई विल नॉट बाई सम राइस की एनी राइस, अब एनी राइस आ गया, नॉट नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूं विल यू बाई सम राइस, सही गलत? एनी राइस, सम तो पॉजिटिव के लिए, विल यू बाई एनी राइस? ठीक, क्लियर, समझ आए? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे, इसलिए एक सेंटेंस था हार्डली, हार्डली के बाद सेंटेंस यूज हुआ था समबडी, समबडी ना होकर क्या आएगा? एनी बडी। ठीक, क्लियर। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, अच्छा ब्राइटनेस, ओके। ठीक है, नेगेटिव और क्वेश्चन रहे तो एनी, और स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो क्या? सम में। अब ये क्या हो गया? ठीक है, क्लियर। ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। आपको मैं जब वर्ब बता रहा था तो दो प्रकार के वर्ब बताया था, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के थे, एक मॉडल से और एक प्राइमरी था। मेन वर्ब दो प्रकार का था, कौन कौन सा? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट था। ठीक है, फाइनाइट भी दो प्रकार का था, कौन कौन सा? हंस रहे, बताओ, याद नहीं है, पढ़ के नहीं आते, कौन कौन सा था? नहीं आए थे। ठीक है, आप याद नहीं करोगे तो कौन याद करेगा, बताओ? एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। फाइनाइट दो प्रकार का था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, अब हाँ हाँ कर रहे हो ना। और नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का था, जेरंड और इन्फिनिटिव, ये तीन चीज था। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू गेट, टू डू, टू वर्क, टू स्लीप, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। ठीक है, और किस रूप में काम करना चाहिए? नाउन। ठीक, जेरंड क्या था? वर्ब प्लस एनजी का फॉर्म, किस रूप में काम करना चाहिए? नाउन। ठीक है, जैसे ही स्विमिंग, तैर रहा है, स्विम करना तो वर्ब है, क्रिया है, लेकिन आईएनजी जुड़ा ही स्विमिंग अभी भी क्रिया के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अच्छी बात। लेकिन मैं बोलूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, अब ये वर्ब में आईएनजी जुड़ गया लेकिन ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जेरंड हो गया। ठीक है, अब पार्टिसिपल भी जब पढ़े थे तो तीन प्रकार का पार्टिसिपल देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीन प्रकार का पार्टिसिपल देखे थे। ठीक है, तो पार्टिसिपल याद कराना चाह रहा हूं मैं, पार्टिसिपल देखे थे, पार्टिसिपल तीन प्रकार का था, फिलहाल मैं दो के बारे में बात कर रहा हूं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल था और एक
पास्ट पार्टिसिपल सर क्या था, ध्यान आ रहा है क्या? अगर वर्ब हो, वर्ब हो और आईएनजी का फॉर्म जुड़ जाए तो क्या था वो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम करना चाहिए था, ठीक है? और ये एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो इसको क्या बोलूंगा मैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और वो एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? तो ऐसा एडजेक्टिव आए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ऐसा एडजेक्टिव आए जो क्या हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, और ऐसा एडजेक्टिव आए जो पास्ट पार्टिसिपल हो, दोनों के बीच, दोनों के पहले वेरी लगाना है कि मच लगाना है, इसी नियम को हमको सीखना है। ये वेरी और मच दोनों का मतलब होता है बहुत, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ इट इज मच इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो बहुत के लिए इंग्लिश में क्या लगाऊँ? वेरी लगाऊँ, मच लगाऊँ? तो मैंने क्या बोला, अगर एडजेक्टिव वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आप क्या लगाओगे? वेरी लगाओगे, ठीक है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या लगाओगे? वेरी। पास्ट पार्टिसिपल है तो क्या लगाओगे? मच। जैसे इट इज मच इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या लगाओगे? इंटरेस्टिंग। वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म है मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्या ये एडजेक्टिव विशेषता नहीं बता रहा? ये इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, बुरा है, क्या होता है? विशेषता, ये तो होता है, विशेषण के रूप में काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, ठीक। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो मच नहीं आया, क्या आएगा? वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर इसी चीज को मैं इंटरेस्टेड कर दूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो अब मच आ जाएगा, ठीक है, ना कि वेरी। इट इज अ डैश इंटरेस्टिंग पिक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, ना कि मच, इंटरेस्टिंग हो गया। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, वेरी एग्जॉस्टेड कि मच एग्जॉस्टेड, मच एग्जॉस्टेड, क्लियर? ये खैर वेरी क्विकली और मच वाइजर तो पहले बता दिया, पॉजिटिव रहे तो वेरी और कंपेरेटिव रहे तो मच, ये पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो वेरी और मच का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? अभी जो हम लोग पढ़े हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच देखें, है ना, और ऊपर पढ़ चुके थे पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, सही है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सही है, लेकिन ही इज वेरी मोर इंटेलिजेंट कि मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री हो गया, इससे मोर। तो ये दो चीज रूल आप ध्यान रखिएगा। लास्ट दो रूल और देखते हैं। शी इज द वेरी बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल, इस वेरी बेस्ट या मच बेस्ट यूज करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि नहीं, मतलब सच में ऐसा है, ठीक है, वाकई में, रियली, ठीक है, वाकई में वो बहुत अच्छी टीचर है, सबसे बेस्ट टीचर है। तो बेस्ट टीचर है बताना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है, ही इज द बेस्ट टीचर, शी इज द बेस्ट टीचर, लेकिन साथ में हिंदी में एक और शब्द जुड़े हो, वाकई में सबसे बेस्ट टीचर है, तो वाकई में उसके लिए हम वेरी यूज कर सकते हैं, वेरी या फिर मच, लेकिन डिपेंड करता है। आपको बताया था कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है तो इसके पहले क्या लगता है? द लगता है, और उसको याद कराने का तरीका भी बताया था। आप बचपन से एक सेंटेंस बोलते आ रहे हो गए, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट, कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट बोलते हो, ना कि इज बेस्ट, ठीक है? इससे क्या मतलब समझ आता है? जितने भी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ठीक है, तो जितने भी ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, टफेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड हैं, इसके पहले क्या लगता है? द लगता है। लेकिन इस द का प्लेसमेंट वेरी और मच आ जाए तो बदल जाता है। अगर आप वेरी बेस्ट बोलना चाह रहे हो तो द वेरी बेस्ट बोलोगे, और मच बोलना चाह रहे हो तो मच द बेस्ट बोलोगे, बस यही मतलब था। लास्ट रूल, सो और दैट और टू और टू, सो डैश 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 दस का मतलब होता है इतना कि, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया घूम सकूँ, इतना डैश 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 कि पूरी दुनिया घूम सकूँ, तो इस इतना और की के लिए क्या यूज करते हैं? सो डैश 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 दैट, ठीक है? और टू और डैश 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 टू का मतलब होता है इतना कि नहीं, ठीक। जैसे ही इज टू वीक टू फाइट, टू फाइट है मतलब, और कमजोर है मतलब लड़ नहीं पाएगा, वो इतना कमजोर है कि वो लड़ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, लेकिन यहां पे नॉट तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन इसका मतलब ही नेगेटिव होता है अगर टू के बाद ये सिंगल टू यूज किया जाए तो। ही इज टू वीक टू
फाइट, वो इतना कमजोर है कि अभी लड़ नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि लड़ नहीं सकता कि नहीं, ठीक है, इतना कमजोर है कि नहीं लड़ सकता, तो कि नहीं के लिए टू और टू, और इतना की के लिए सो दैट, इट इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट गो आउटसाइड, ठीक है, इतना ठंडी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक, या फिर इसको दूसरे सेंस में बोल सकते हो, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, ठीक है, वो इतना ठंडी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, माई ब्रदर इज सो हेल्दी, ये सो हेल्दी नहीं होगा, वेरी हेल्दी, सो के बाद आगे कुछ कुछ लिखना होता है आपको, ठीक, ये हो गया आपका एडवर्ब खत्म, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा।